हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ये लेजर कार्ट्रिज है, एचपी लेजर 12A। दोस्तों, इस कार्ट्रिज ये है 1005 प्रिंटर की, 10-20 प्रिंटर की। इसको हम रिफ़िल कैसे करते हैं? दोस्तों, सिंपली इसको रिफ़िल करने के लिए हमको चाहिए होगा सभी पहले स्क्रू ड्राइवर, आप भी देख सकते हो। उसके बाद में ये नोज ब्लास्ट, उसके बाद में जो इसके 12A के लॉक आते हैं साइड में, उनको निकालने के लिए ये जुगाड़ बना रखा है मैंने। इससे जो इसके साइड के लॉक रहते हैं उनको निकालेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले ओपन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्क्रू है, हम इसको खोलेंगे। ये स्क्रू जैसे ही खोलेंगे उसके बाद में इस कैप को आपको हटाना है। जैसे आप हटाओगे उसको साइड में रख दो। उसके बाद में इस प्लेट को, ये ऊपर प्लेट है, इसको साइड में करके ये ड्रम को यहाँ से निकाल लो। आप यहाँ से इस ड्रम को निकाल लो, हल्का सा इसको घुमा घुमा के निकाल लो। उसके बाद में इसको साइड में रख दो। साइड में रखने के बाद इसके यहाँ पे PCR है, ये आप देख सकते हो, ये PCR है। इसको निकालने के लिए सिंपली मैं इसका यूज करूँगा, ये चिमटी का। ये चिमटी को यहाँ पे लगाऊंगा साइड में, साइड के लॉक में, और इसको निकालूंगा। ये हमारा PCR भी निकल चुका है, इसको भी साइड में रखूंगा। उसके बाद में लॉक निकालने का बताया था मैंने, मैं आपको लॉक बता देता हूँ। एक लॉक आपको ये दिख रहा होगा, एक लॉक तो ये है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, और एक इस तरफ है, ये भी लॉक है। इसको अभी हम यहाँ से निकालते हैं, आपको अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। मैं इसकी फ्लैश ऑन कर देता हूँ। इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो ये लॉक यहाँ पे है, ये लॉक यहाँ पे है। पहले इसको निकालते हैं, हल्का सा जोर लगाएंगे तो ये देख सकते हो, ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद में इस साइड वाले को भी ऐसे करते हैं, ये आपको दिख रहा हो तो इस पर भी जोर लगाएंगे, ये निकल गया। अगर ये हाथ से निकल जाए तो ठीक है, वरना ये नोच प्लास है, इससे पकड़ो और इससे खींचो। ये देख सकते हो, ये है इसका लॉक। इसको साइड में रखते हैं और दूसरे पकड़ का भी ऐसे ही निकालते हैं। ये है लॉक, इसको निकाल दिया। अब इसको यहाँ पे पकड़ के इसको हटाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्प्रिंग भी लगती है, ये इस स्प्रिंग को भी रख लेते हैं, ये बाद में वापस लगेगी। दोस्तों, ये हमारी कार्ट्रिज खुल चुकी है। अब इसको रिफिलिंग करने के लिए इसमें जो वेस्टेज इंक रहती है वो इसमें रहती है, वाइपर ब्लेड के नीचे, और जो हम इसमें रिफिल करेंगे वो इसमें रिफिल होगी। ये हमारी मैग्नेट है, ये डॉक्टर ब्लेड है, तो इसको इस बगल से खोलते हैं। यहाँ पे गेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेयर है, गेयर की इस तरफ से खोलेंगे। इस पेज को खोलते हैं, मैं इसको खोल के बताता हूँ। इसको खोलेंगे, उसके बाद में आपको इसको हल्का सा बाहर खींचना है। जैसे हल्का सा बाहर खींचोगे ये हट जाएगा। उसके बाद में ये मैग्नेट को उठा लो। मैग्नेट को आप जैसे ही उठाओगे इसमें एक गेयर आएगा, साथ में एक बुश आएगी, और इस तरफ भी एक बुश है। इनको आपको साइड में रखनी है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें डस्ट है, और आप ये देख सकते हो इसमें भी डस्ट है, इसमें भी डस्ट है। इनको अभी मैं ब्लोर दे के लाता हूँ, तब तक बने रहो वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो में आगे। दोस्तों, इसको मैं साफ करके ले आया हूँ, इसमें मैंने ब्लोर लगा दिया। यह देखो कितनी साफ हो चुकी है। उसके बाद में ये मैग्नेट को मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मैग्नेट देखो, मैग्नेट में मैंने ब्लोर लगाया है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारी डॉक्टर ब्लेड है, मैग्नेट को रखेंगे। उसके बाद में डॉक्टर ब्लेड को एक कपड़ा लेंगे दोस्तों, और हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको साफ करेंगे। इसको साफ करने के बाद मैग्नेट में दोस्तों जो अभी हमने बुश हटाए थे, इसके जो साइड के बुश हैं उनको आप इससे इसमें लगाएंगे। एक बुश है, एक गेयर है, और एक इस तरफ का भी बुश था जो ये है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये लगा दिया है मैंने। उसके बाद में इसको वापस से कार्ट्रिज में लगाएंगे यहाँ पे, और इसको दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कट को ऊपर की तरफ रखना है। यानी कि इसको हल्का सा और ऐसे घुमाएंगे, इससे किसी से पकड़ के घुमा दो, ऐसे रहेगा। ये देखो जो इसमें, इसमें भी एक कट है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो ऊपर मेरे अंगूठे के यहाँ पे,
ये फ्लैश पड़ रहा है, ये देखो ये कट इसमें बैठेगा। और अब हम इस पे इंक डालेंगे, तो इसके पहले इस कैप को हटाते हैं। इस कैप को जैसे ही हटाएंगे हम इसमें हम रिफिल करेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें इंक ढालने वाला हूँ ITDL की 56 नंबर इंक, मैं जो ये 12 की कार्ट्रिज है इसमें डालने वाला हूँ। और मैं आपको इसका प्रिंट भी बताऊँगा, इसमें प्रिंट कैसा आ रहा है। सबसे पहले इसका ढक्कन खोलते हैं, और इसके बाद में जो ये रेपर है इसको हटाते हैं। रेपर हटाने के बाद में हम इसमें कैप लगाएंगे, ताकि हम आसानी से इसमें इंक डाल सकें। अब दोस्तों हमको यहाँ पे फिंगर लगा के इसको नीचे की तरफ दबाना है मैग्नेट को, तब हमको इसमें इंक डालनी है। दोस्तों हमने इसमें इंक डाल दिया है, अब हमको इसका कैप वापस से लगाना है। उसके बाद में अब इसको देखना है, जो ये मैंने अभी आपको बताया था एक कट है इसमें, उसको पहले इस मैग्नेट के कट में बैठाओ, उसके बाद में इसमें जोर लगा के इसको बैठा दो। और हमने यहाँ पे एक स्क्रू उठाया था, वो स्क्रू को लगा के उसको स्क्रू ड्राइवर से कस दो। मैंने ये स्क्रू कस दिया है। अब दोस्तों आपको इस मैग्नेट को यहाँ पे घुमा के देखना है कि इसमें इंक आ रही है या नहीं प्रॉपर। ये देख सकते हो कि इसमें प्रॉपर इंक आ रही है, मैं इसको घुमाऊंगा, इसमें प्रॉपर इंक आ रही है दोस्तों। उसके बाद में हमको इसको भी कपड़े से साफ करना है, जो ये हमारी वाइपर ब्लेड है इसको भी बिल्कुल हल्के हाथ के कपड़े से साफ करना है। उसके बाद में ये PCR था, PCR को भी हल्के हाथ से कपड़े से ही साफ करना है। साफ करने के बाद हमको यहाँ पे लगा देना है एक कट ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे ये देख सकते हो, इसमें जोर दे के बैठाएंगे जैसे ही इस तरफ भी। अब ये ड्रम है दोस्तों, इस पे भी इंक लग रखी है, ये इसको भी मैं साफ करता हूँ। इसको भी साफ करके मैं इसमें लगा देता हूँ पहले। इधर ये लॉक है ये देख सकते हो, और ये ड्रम में एक छेद है नीचे देख सको, इसको इसमें बैठाओ, इसको ऐसे लगा दो। उसके बाद में ये लोको को ऐसे बैठाओ, ये ड्रम की गियर है और ये इधर मैग्नेट की गियर है, दोनों को आपस में ऐसे जॉइंट कर दो। और उसके बाद में ये खांचे में ये लोक निकाले थे अपन ने, इनको वापस से बैठा दो। और बैठाने के बाद इनको हल्के हाथ से अंदर की तरफ ठोक दो, इन लोको को ठोको और किसी को मत ठोको। दोस्तों ये लॉक लग गया, अब इस तरफ का लॉक लगाते हैं। ये भी लग गया दोस्तों, ये वाला लॉक भी लग गया हमारा। उसके बाद में हमको जो हमने यहाँ पे ऊपर का कैप उठाया था, ये कैप को इसको ड्रम को नीचे प्रेस करके इस कैप को ऐसे फिट बैठाना है। जैसे फिट बैठाओगे उसके बाद में हमने यहाँ का पेच और उठाया था एक, वो पेच और लगाता हूँ मैं। ये ले लिया मैंने पेच, ये स्क्रू ड्राइवर की वजह मदद से मैं इसको कसता हूँ। ये मैंने इसको पूरा कस दिया। उसके बाद में ये स्प्रिंग आप देख सकते हो, ये सही से लगी नहीं, इसको मैं नीचे करके सही से लगा देता हूँ। ये सही से लग गई, और मैंने ये एक स्प्रिंग हटाई थी, अगर आपको दिख रही हो ये मेरे हाथ में, ये देखो उसको यहाँ पे, ये देखो ये एक लॉक है, एक मिनट, ये देखो ये यहाँ पे एक लॉक है, लॉक में बैठाओ और एक को इसके इस लॉक में बैठाओ, इस वाले लॉक में बैठाओ ये स्प्रिंग को। ये बैठ गई, एक मिनट मैं कैमरे का फोकस करके बताता हूँ। देखो दोस्तों ये एक यहाँ पे लॉक है, एक यहाँ पे, ये लग जाने के बाद अभी मैं इसको चेक करता हूँ। हमारे ये वही कार्ट्रिज है HP लेजर Z12A, इसको अभी मैं प्रिंटर में लगा के चेक करता हूँ। ये चलते हैं दोस्तों प्रिंटर में लगाने की ओर। दोस्तों ये वही कार्ट्रिज है जो मैंने अभी रिफिल की थी, HP लेजर जेट प्रिंटर कार्ट्रिज 12A। दोस्तों सिंपली मैं इसको प्रिंटर में लगाता हूँ। ये HP लेजर जेट M1005
एम एफ पी प्रिंटर है। इसमें दोस्तों अभी हम डेमो पेज और फोटोकॉपी दोनों चेक करेंगे। डेमो पेज के लिए हमें दो राइट के बटन क्लिक करने हैं, जो ओके है इसके साइड वाले दोनों बटन आपस में दबाओगे तो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐसे आएगा और अभी यहाँ से पेज लेगा और अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अभी यहाँ पे आएगा, जो हमारा टेस्ट पेज है। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा टेस्ट पेज आ चुका है दोस्तों, ये बिल्कुल सही वो आया है। मैं अभी आपको यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूंगा कैसा आया है, और इसके बाद में मैं अभी वापस से इसको वाइट वाले को ऊपर करके यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लगा रखा है, यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लगा रखा है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट कॉपी पर प्रेस करता हूँ। अभी दोस्तों ये फ़ोटो कॉपी कर रहा है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फ़ोटो कॉपी भी बिल्कुल साफ आएगी, ये देख सकते हो दोस्तों फ़ोटो कॉपी भी बिल्कुल साफ आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।